Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about want, wants or wanted. Want or wants का मतलब होता है चाहता हूँ या चाहिए, और wanted का मतलब होता है चाहता था. दोनों का किस तरह से आपको यूज़ करना है ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ. इसमें मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों ही तरह के सेंटेंस आपको समझा रहा हूँ. बहुत ज़्यादा इसका डेली लाइफ में यूज़ होता है, स्पीकिंग और राइटिंग में. बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत काम का वर्ड है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से देखें. मैं तीनों ही आपको क्लियर कर रहा हूँ सेंटेंसेस, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, और यदि पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. चलिए लेट्स वी विल स्टार्ट नाउ. सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस में आई वॉन्ट टू प्ले, इसका मतलब होगा मैं खेलना चाहता. अब यहाँ वी का भी यूज़ कर सकते हैं. वी वॉन्ट टू प्ले, इसका मतलब हो जाएगा हम खेलना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू प्ले का मतलब हो जाएगा वे खेलना चाहते हैं. एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम दे यूज़ करते हैं. तुम खेलना चाहते हो तो हो जाएगा यू वॉन्ट टू प्ले, ऐसा आपको ज़रूर याद रखना है. प्लूरल के लिए भी यही यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा लोगों के लिए. राम एंड रवि वॉन्ट टू प्ले, राम और रवि खेलना चाहते हैं. वाक्य को बड़ा करना मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ छोटे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आप यहां देख सकते हैं आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ में आपको वांट टू का यूज़ करना है. और एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप टू का यूज़ कर रहे हैं, टू के बाद में आपको ज़्यादातर जगह पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ होता है. तो इस बात को आप ज़रूर याद रखें. यहाँ आप देख सकते हैं प्ले लिखा हुआ है, आप प्ले की जगह पर कोई भी जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करके सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू डू MBA, मैं MBA करना चाहता हूँ. यदि आपको एक वाक्य समझ में आ गया है तो फिर एक वाक्य के आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो ज़रूर याद रखिए आई वी यू दे, इनके साथ में आपको जो होता है और प्लूरल के साथ में वांट टू का यूज करना होता है. अभी हम देखते हैं ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ. ही वांट्स टू प्ले, ही के साथ में आपको वांट्स का यूज करना है. ये सिंपल सा नियम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का. इसमें ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में आपको एस का यूज करना होता है, एस ई एस और आई एस. आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. वह खेलना चाहती है तो हो जाएगा शी वांट्स टू प्ले. एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं तो हो जाएगा राम वांट्स टू प्ले. राम और रवि आप यहाँ देख सकते हैं ये प्लूरल है, इसमें दो लोग हैं तो वांट का यूज़ करना है आपको. और यदि एक व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं तो फिर उसमें एस का आपको यूज़ करना है. यदि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्लाइड को रोक लें और यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप चेंज कर कर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. आप देख सकते हैं डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव में आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको यूज़ करना है डू नॉट या डोंट, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. हम डोंट लेते हैं यहाँ पर. मैं खेलना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू प्ले, नहीं खेलना चाहता हूँ, आप मना करना चाहते हैं तो हो जाएगा आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, हम नहीं खेलना चाहते हैं तो हो गया वी डोंट वॉन्ट टू प्ले, वे नहीं खेलना चाहते हैं तो हो गया दे डोंट वॉन्ट टू प्ले, तुम नहीं खेलना चाहते हो तो यू डोंट वॉन्ट टू प्ले, राम और रवि दो लोग हैं तो इनके लिए भी डोंट का यूज़ होगा. फिर आपको यहाँ याद रखना है कि यदि आप ही शी इट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है आपको डज नॉट या डजंट का यूज़ करना है. और जब आप डज नॉट या डजंट का यूज़ करते हैं तो आपको याद रखना उसमें से एस हट जाएगा यहाँ से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वह नहीं खेलना चाहती है तो इसमें भी आपको डज नॉट का ही यूज़ करना है, शी डजंट वॉन्ट टू प्ले. ऐसा आपको याद रखना है, ज़रूर हटाना है यहाँ से.
राम नहीं खेलना चाहता है तो हो जाएगा राम डजेंट वॉन्ट टू प्ले। राम चाय नहीं पीना चाहता है, राम डजेंट वॉन्ट टू टेक टी। सिर्फ प्ले की जगह आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और आप कुछ जो भी जोड़ना चाहते हैं वो आप पीछे की तरफ आसानी से जोड़कर इसे बड़ा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही समझ में आए होंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है वॉन्ट टू का यूज़ करना है और ही शी इट के साथ में आपको एस का उच्चारण जरूर करना है वॉन्ट्स। नेक्स्ट मैंने आपको बताया पास्ट टेंस की, यदि आप सॉरी आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इसमें आई वी यू दे के साथ डोंट और ही शी इट के साथ डजंट, और डजंट के बाद आपको याद रखना है यहाँ से एस आपको हटाना है। एक और विशेष चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टी, मुझे चाय चाहिए या मैं चाय चाहता हूँ। कभी कभी आपको चाहिए का आवाज़ भी यहाँ पर आएगा तो वो चाहिए के लिए आपको याद रखना है। इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, चाहिए के लिए शुड का यूज़ करना चाहिए या वांट का यूज़ करना चाहिए। जैसे मुझे चाय चाहिए, या आप इसको बोल सकते हैं मैं चाय चाहता, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ चाहिए के लिए आपको शुड का यूज़ नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं आपको नीचे एक एग्जांपल और बता देता हूँ, मुझे चाय चाहिए, इसके लिए आई शुड टी, ये जो सेंटेंस है ये गलत रहेगा, इस बात को आप ज़रूर याद रखें, शुड टी नहीं होगा। आपको ये बस बात का ध्यान रखना है वर्ब और नाउन, टी जो है वो नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग्स, और जो वर्ब होती है क्रिया जो आपके काम बताती है, जैसे आना जाना खाना पीना गो कम ईट ड्रिंक, तो ये जो होती हैं ये सारी वर्ब्स होती हैं, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर हमने नाउन का यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है चाहिए का भी आप आवाज़ आ सकता है, मुझे पैसा चाहिए आई वॉन्ट मनी, मुझे टाइम चाहिए आई वॉन्ट टाइम, मुझे पेन चाहिए आई वॉन्ट पेन, मुझे किताब चाहिए आई वॉन्ट बुक, इस तरह से जो है आप चेंज कर सकते हैं। आपको याद रखना है यहाँ पर शुड का यूज़ नहीं करना है, शुड का जो यूज़ होता है वो वर्ब के साथ होता है। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड कम, मुझे आना चाहिए, आई शुड ईट, मुझे खाना चाहिए, आई शुड ड्रिंक, मुझे पीना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं सभी मैं वर्ब्स का यूज़ कर रहा हूँ, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, टू का जो यूज़ है आई वॉन्ट टू बुक, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि जब आप नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आपको याद रखना है वहाँ पर आपको टू का यूज़ नहीं करना है। जो नाउन है वो डायरेक्ट आते हैं, यदि वर्ब अगर यहाँ पर आ रही है आई वॉन्ट टू रीड बुक तो आपको टू का यूज़ करना है, अन्यथा टू का यूज़ नहीं करना है। आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से देख सकते हैं, आई वॉन्ट बुक, यहाँ पर किताब नाउन है तो हमने टू का यूज़ यहाँ पर नहीं किया आएगा, और यहाँ पर जो वर्ब आप देख रहे हैं मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने के लिए यहाँ पर रीड वर्ब आ गया है, इसलिए जो है हमें यहाँ जोड़ने के लिए टू का यूज़ करना है। एक बहुत छोटा सा पॉइंट है आप याद रख सकते हैं, नाउन अगर आ रहा है तो उसे डायरेक्ट लगाइए, और यदि वर्ब आ रहा है तो फिर आपको टू के साथ लगाना है, टू के साथ इसे जोड़ना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आई वॉन्ट टी, मैं चाय चाहता हूँ, और आपको बोलना है कि मैं चाय पीना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी। आप यहाँ देख सकते हैं ड्रिंक आ गया है बीच में, इसलिए हमने जोड़ने के लिए टू की मदद ली है यहाँ। तो ये दोनों में एक छोटा सा अंतर है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि टू का यूज़ हमें कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, तो उम्मीद करता हूँ अभी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आप सभी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, सेम रूल से आई वी यू दे के साथ वॉन्ट यूज़ करना है, और आपको ही शी इट के साथ जो मैंने बताया है वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्ट्स। यदि यहाँ पर होता है कि उसे चाय चाहिए तो फिर हो जाएगा ही वॉन्ट्स टी, और यदि आप बोलना चाहते हैं कि वह चाय पीना चाहता है तो फिर हो जाएगा यहाँ पर ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक टी। आप ड्रिंक टी भी बोल सकते हैं, टेक टी भी बोल सकते हैं, और हैव टी भी बोल सकते हैं, आप तीनों का यूज़ कर सकते हैं।
खाने और पीने दोनों के लिए ही आप यूज़ कर सकते हैं। खाने के लिए ईट, टेक और हैव, पीने के लिए ड्रिंक, हैव और टेक। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तीनों का कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ज़रूर याद रखिए, जब वर्ब आ रही है तो चाहिए का ही यूज़ वहाँ पर आपको शुड के लिए करना है, यहाँ पर आपको शुड नहीं करना है जब नाउन आ रहा है। आप इसका एक अंतर और दूसरे ढंग से भी पकड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप कोई चीज़ मांग रहे हैं, कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पर वांट का ही यूज़ करना है, और जो शुड का यूज़ होता है वो होता है एडवाइस देने के लिए, तो आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वांट वांट और वांट टू का भी क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। तो फर्स्ट फिर से देखते हैं हम एक बार। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखे आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ वांट टू, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में जो है हमें एस का यूज़ करना है वांट्स का। नेगेटिव सेंटेंस में डोंट और डजंट। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज जो होते हैं वो क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ हो गया डू यू वॉन्ट टू प्ले, क्या तुम खेलना चाहते हो। यदि आप आंसर भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए साथ में, यस आई वॉन्ट टू प्ले। वॉन्ट टू का जवाब वॉन्ट टू में ही देना है आपको। डू यू वॉन्ट टू प्ले, क्या तुम खेलना चाहते हो। यस आई वॉन्ट टू प्ले, हाँ मैं खेलना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों ही वाक्यों में चाहता का आवाज आ रहा है, इसलिए हमने दोनों ही जगह वॉन्ट टू का यूज़ किया है। टू के साथ हमेशा जो है मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप याद रखिए नो आई, अभी मैंने बताया नेगेटिव में डोंट लग जाएगा, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, नहीं मैं नहीं खेलना चाहता हूँ। यस और नो के बाद कॉमे का यूज़ आप ज़रूर करें, इस बात को भी ज़रूर याद रखें। राइटिंग करते समय आपको छोटे छोटे जो नियम हैं उनको याद रखना ज़रूरी है। पहला अक्षर आपका बड़ा होना चाहिए, बाकी के सारे अक्षर छोटे आएंगे, इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार देखा है कि राइटिंग करते समय ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो इसी बात को भी आप ज़रूर याद रखें। क्या तुम खेलना चाहते हो। हाँ मैं खेलना चाहता हूँ, नहीं मैं नहीं खेलना चाहता। अभी आपको यहाँ पर इंटेरोगेटिव भी मिल गया है, ने या अफर्मेटिव भी हो गया है और इंटेरोगेटिव भी हो गया है, सॉरी नेगेटिव भी हो गया है। तीनों ही सेंटेंस आपके पास हैं। यदि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपके पास क्वेश्चन भी है, हाँ का जवाब भी है और ना का जवाब भी है। यहाँ पर आप वर्ब की फॉर्म चेंज कर कर अपने खुद के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हज़ारों लाखों सेंटेंसेस होते हैं, आप सबको याद नहीं कर सकते हैं। आप टेक्निक सीखिए, एक यदि सेंटेंस आपको समझ में आ गया तो एक के आधार पर आप हज़ारों सेंटेंसेस आसानी से बना पाएंगे। डू यू वॉन्ट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। यस आई वॉन्ट टू गो, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। नहीं मैं जवाब देना है तो नो आई डोंट वॉन्ट टू गो। सिर्फ एक वर्ड आपको यहाँ पर चेंज करना है, वो है लास्ट में वर्ब। यदि आप यहाँ पर जो सेंटेंस क्वेश्चन बना रहे हैं वी से, डू वी वॉन्ट टू प्ले, क्या हम खेलना चाहते हैं, तो आंसर हो जाएगा यस वी वॉन्ट टू प्ले, हाँ हम खेलना चाहते हैं, नहीं हम नहीं खेलना चाहते हैं। कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। वी का जवाब वी में ही आएगा। अगर यहाँ दे होता, क्या वे खेलना चाहते हैं। यस दे वॉन्ट टू प्ले, वी का जवाब वी में आ जाएगा, दे का जवाब दे में। बाकी सभी चीज़ें सेम रहेगी, कोई भी आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना। आई वी यू दे, इनके क्वेश्चंस जो है वो डू बनाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल ही शी और इट सिंगुलर नाउन के। यदि यहाँ पर हम बात करते कि क्या वह खेलना चाहता है, तो डू ही नहीं होगा, आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन जो बनाएगा वो डज बनाएगा, डज ही वॉन्ट टू प्ले, आंसर आ जाएगा यहाँ पर ही का जवाब ही में आएगा। और मैंने आपको बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में एस आपको जोड़ना होता है। ये हो गया यहाँ पर यस ही वॉन्ट्स टू प्ले। अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा डजंट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव में।
डज ही वॉन्ट टू प्ले, यस ही वॉन्ट्स टू प्ले, नो ही डजेंट वॉन्ट टू प्ले। अगर यहाँ पर हम लड़की की बात कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा डज शी वॉन्ट टू प्ले, यस शी वॉन्ट्स टू प्ले, नो शी डजेंट वॉन्ट टू प्ले। यदि आप किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो सेम रूल रहेगा यहाँ पर, किसी भी व्यक्ति का यदि आप नाम लिख रहे हैं तो उसका भी जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए, इसको भी ज़रूर आप याद रखें। डज राम वॉन्ट टू प्ले, तो हो जाएगा यहाँ यस राम वॉन्ट्स टू प्ले, मना करना है तो नो राम डजेंट वॉन्ट टू प्ले। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ज़रूर याद रखिए। आप यहाँ पर प्ले को चेंज कर कर कोई सा भी वर्ब लगा सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपके पास वर्ब्स हैं उतने ही ज़्यादा आप सेंटेंस बना पाएंगे और अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। अभी आपके पास तीनों तरह के सेंटेंस हो गए हैं, अफर्मेटिव भी हैं, यस का जवाब, इंटरोगेटिव, डू यू वॉन्ट टू, डू दे वॉन्ट टू प्ले, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया है। यस मीन्स अफर्मेटिव और नो मीन्स नेगेटिव। मैंने सभी सब्जेक्ट के साथ भी आपको क्लियर कर दिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से हम देखते हैं एक बार, अफर्मेटिव में वांट टू और ही शीट के साथ वांट्स। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको याद रखना है डोंट और डजेंट का यूज़ करना है। जब आप डजेंट का यूज़ करेंगे तो एस वहाँ से आपको हटा देना है। टू का यूज़ नहीं करना है जब आप नाउन के साथ सेंटेंस बना रहे हैं तो, और यदि वर्ब आ रहा है तो फिर आपको उसको जोड़ने के लिए टू की मदद लेनी होगी। चाहिए के लिए शुड होता है लेकिन इसके साथ नाउन नहीं लगता, इसके साथ वर्ब भी आएगा, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, तो इस बात को भी आप ज़रूर याद रख सकते हैं। फिर मैंने आपको इंटरोगेटिव भी बता दिए हैं, डू और डज जो है क्वेश्चन बनाता है। आई वी यू दे के क्वेश्चन डू बनाएगा और ही शी इट सिंगुलर नाउन के क्वेश्चन जो होता है वो डज बनाता है। चलिए अभी हम देखते हैं पास्ट टेंस जो होता है वांट का, उसमें हमें किस तरह से जो है सेंटेंस बनाना है। वांट का जो पास्ट टेंस होता है वांटेड, ईडी लगा देना है आपको, आई वांटेड टू प्ले। टू के बाद आपको याद रखना है फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। यहाँ पर जो है वो हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है, पास्ट में जो होता है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करते हैं, तो वांट का हो गया है यहाँ पर वांटेड। मैं खेलना चाहता था, आपको याद रखना है पास्ट टेंस में जो होता है सभी के साथ जो है वांटेड का ही यूज हमें करना होता है। तुम खेलना चाहते थे तो हो जाएगा यू वांटेड टू प्ले, हम खेलना चाहते थे तो हो गया है वी वांटेड टू प्ले, वे खेलना चाहते थे दे वॉन्टेड टू प्ले। यदि आप प्लूरल और सिंगुलर की भी बात कर रहे हैं तो दोनों में ही वही होगा, राम एंड रवि वॉन्टेड टू प्ले, राम और रवि खेलना चाहते थे। लड़की के लिए हो जाएगा ही वॉन्टेड टू प्ले, वह खेलना चाहता था। अगर आप लड़की की बात कर रहे हैं तो हो गया शी वॉन्टेड टू प्ले, वह खेलना चाहती थी, राम वॉन्टेड टू प्ले, राम खेलना चाहता। आपको याद रखना है प्रेजेंट में दो नियम है अलग अलग, वांट और वांट्स, लेकिन यदि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस में सभी के लिए जो होता है वो वांटेड ही सेंटेंस बनाता है। ये अफर्मेटिव हो गया है। चलिए अभी हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव बहुत आसान है, पास्ट टेंस में जो नेगेटिव में हमें डिड नॉट का यूज करना होता है, यह इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट, आप दोनों में से जो भी चाहें यूज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको याद रखना है यहाँ से आपको ईडी हटा देना है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, सभी में से हट जाएगा। आई वी यू दे सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ जो है डिड नॉट का ही यूज होता है। तुम नहीं खेलना चाहते थे तो यू डिड नॉट वांट टू प्ले, हम नहीं खेलना चाहते थे तो हो गया है वी डिड नॉट वांट टू प्ले, वे नहीं खेलना चाहते थे तो हो जाएगा दे Did not want to play. राम और रवि नहीं खेलना चाहते थे तो हो जाएगा राम एंड रवि did not want to play.
विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, वह नहीं खेलना चाहता था तो हो जाएगा ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले। लड़की की यदि आप बात कर रहे हैं तो हो जाएगा शी डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको याद रखना है डिड नॉट का यूज़ करना है और ईडी हट जाएगा यहाँ से, सिर्फ वॉन्ट आएगा। यदि आपको वॉन्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर आप लाइक, नीड और हैव से भी सेंटेंस बहुत आसानी से बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा जो होता है इनका यूज़ होता है डेली लाइफ में, स्पीकिंग में, वांट, लाइक, नीड और हैव। तो इसे आप ज़रूर याद रखिए। यदि आपको वांट समझ में आ गया है तो लाइक और नीड को समझने में आपको और हैव को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो पास्ट टेंस में हमें यूज़ करना है वांटेड सभी के साथ में, और नेगेटिव में आपको याद रखना है सभी के साथ डिड नॉट, और फिर ईडी यहाँ से आपको हटा देना है, सिर्फ वांट का यूज़ करना है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। आप फर्स्ट फॉर्म चेंज कर कर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं अपने खुद के। तो ये हो गया प्रेजेंट एंड पास्ट। अभी हम बात करते हैं पास्ट में क्वेश्चन किस तरीके से बनाना होता है। जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट में डू और डज ने क्वेश्चन बनाए थे प्रेजेंट में। यदि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में सभी के लिए जो होता है वो क्वेश्चन बनाएगा डिड। Did you want to play? क्या तुम खेलना चाहते थे? Yes, I wanted to play. Affirmative हो गया है, हाँ मैं खेलना चाहता था। No, I did not want to play. नहीं, मैं नहीं खेलना चाहता था। Did you want to meet me? क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे? Yes, I wanted to meet you. हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता था। No, I did not want to meet you. मैंने आपको बताया है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आप को चेंज कर कर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। डिड ही वॉन्ट टू मीट मी, क्या वह मुझसे मिलना चाहता था? यस ही वॉन्टेड टू मीट यू, हाँ वह तुमसे या मुझसे जो भी बोलना चाहते हैं आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। मिलना चाहता था नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में ही डिड नॉट वॉन्ट टू मीट यू, नहीं वह तुमसे नहीं मिलना चाहता था। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं Did he want to meet you? क्या वह तुमसे मिलना चाहता था? Yes, he wanted to meet you. No, he did not want to meet you. नहीं वह तुमसे नहीं मिलना चाहता था। यदि लड़की की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर she का यूज़ हो जाएगा। हमें के लिए we, एक से ज़्यादा लोगों के लिए they, सिंगुलर प्लूरल सभी के लिए जो है मैंने बताया है आपको did he क्वेश्चन बनाएगा यहाँ पर। तो पास्ट में यदि आपको क्वेश्चन बनाना है तो डिड से क्वेश्चन बनाइए, और आंसर देते समय आपको याद रखना है डिड का जवाब जो होता है वो सेकंड फॉर्म यानी यहाँ पर वांट का वांटेड हो जाएगा, और नेगेटिव बनाते समय याद रखिए डिड नॉट और वापस से जो है वांट का आपको यूज़ करना है। यदि आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूजन पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा यहाँ पर। फिर से देखते हैं एक बार, आई वी यू दे के साथ आपको याद रखना है वांट का यूज़ करना है, और ही शी इट के साथ एस का आवाज़ जरूर जोड़ें। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही आपको यूज़ करना है। नेगेटिव में डोंट और ही शी इट में डजंट, और एस को हटा दीजिए वहाँ से। टू का मैंने आपको बता दिया है यदि नाउन आ रहा है तो टू नहीं लगाएं, यदि वर्ब आ रहा है तो फिर आप टू लगा कर उसे जोड़ें। क्वेश्चन बनाते समय प्रेजेंट में डू क्वेश्चन बनाता है और ही शी इट के साथ डस क्वेश्चन बनाता है। पास्ट में सभी के साथ आपको याद रखना है वांटेड का यूज़ करना है। अफर्मेटिव नेगेटिव में डिड नॉट और वापस से वांट हो जाएगा। पास्ट टेंस में क्वेश्चन जो होता है वो डिड बनाता है सभी सब्जेक्ट के साथ में। आंसर में आपको याद रखना है जब आप डिड से क्वेश्चन बना रहे हैं तो डिड का जवाब जो होता है वो सेकेंड फॉर्म में आता है, तो यहाँ वांट का वांटेड हो जाएगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है यहाँ मीट का मैट नहीं करें आप,
टू के साथ मैंने आपको बुलाया है, फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का ही आपको यूज़ करना है। यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म हो गया है वो वांटेड हो गया है, नेगेटिव में डिड नॉट लगकर वापस से फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, इस बात को आप ज़रूर याद रखें। मैंने जो आपको जो क्वेश्चन बनाना बताए हैं डू डस के यूज़ से, उसमें इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ आपको कैसे करना होता है ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। जैसे हमने अभी जो सेंटेंस बनाया है, डू यू वॉन्ट टू प्ले, क्या तुम खेलना चाहते हो, यदि आपको इसमें इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ करना है तो बहुत आसान है। इंटरोगेटिव वर्ड का जो स्थान होता है वो वाक्य में सबसे पहले होता है, सिर्फ आगे की तरफ आपको जोड़ना है व्हाट डू, पूरा ही पूरा सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा, व्हाट डू यू वांट टू प्ले, तुम क्या खेलना चाहते हो। आप यहाँ देख सकते हैं डू यू वांट टू प्ले, बस सिर्फ एक वर्ड आपने यहाँ पर जोड़ा है और आपका एक क्वेश्चन और बनकर तैयार हो गया है। डू यू वांट टू प्ले का मतलब हुआ क्या तुम खेलना चाहते हो, और व्हाट डू यू वांट टू प्ले का मतलब होगा तुम क्या खेलना चाहते हो। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जो जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है क्वेश्चन बनाते समय तो उसका खुद का मतलब भी हो जाता है क्या, इसके लिए आपको व्हाट नहीं लगाना है, आपको स्टार्टिंग में सुनाई देगा यहाँ पर क्या तुम खेलना चाहते हो। और जब आपको ये पूछना है कि तुम क्या खेलना चाहते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या का आवाज़ बीच में आ रहा है, तो फिर आपको आगे की तरफ इंटरोगेटिव वर्ड जो है व्हाट का यूज़ आपको करना रहेगा। छोटी सी जो आपको पहचान बताई है उसे ज़रूर याद रखें, यदि क्या का आवाज़ आगे आ रहा है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाएगा, क्या का आवाज़ वीक बीच में आ रहा है तो फिर आपको व्हाट का यूज़ करना है। आप इसमें चेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट इंटरोगेटिव वर्ड ले लिया है, वेयर डू यू वांट टू प्ले, तुम कहाँ खेलना चाहते हो, विथ होम डू यू वांट टू प्ले, तुम किसके साथ खेलना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू प्ले, तुम कैसे खेलना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू प्ले, तुम क्यों खेलना चाहते हो। जितने आप इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, तुम कब खेलना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू प्ले, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आगे की तरह आप देख सकते हैं मैंने इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ किया है, जो वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर है वो ये हो जाता है, इसमें सबसे पहले आपको इंटरोगेटिव वर्ड रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर जो है आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज़ करके जो है सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आप इसके आंसर देखना चाहते हैं तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ, डू यू वांट टू प्ले, तो सिंपल हो गया है यस आई वांट टू प्ले, हाँ मैं खेलना चाहता हूँ, क्या खेलना चाहते हो, तो हो जाएगा यहाँ पर आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। Where do you want to play? इसका आंसर आ जाएगा I want to play in ground. किसके साथ खेलना चाहते हो? I want to play with you या with my friends. आप आंसर कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, I want to play with Ram. आप चेंज कर सकते हैं आंसर कुछ भी, कैसे खेलना चाहते हैं तो हो जाएगा आई वॉन्ट टू प्ले बाय बैट एंड बॉल, बाय फुटबॉल, जैसा भी आप चाहें यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्यों खेलना चाहते हो, आई वॉन्ट टू प्ले फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर एंजॉयमेंट, फॉर पासिंग टाइम, जो आप चाहें यहाँ पर आंसर जोड़ सकते हैं। इस तरह से जो है आप यहाँ पर आसानी से जो है सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ कैसे करना होता है ये भी मैंने आपको बताया है। यदि आपको एक क्वेश्चन बनाना आ गया है तो एक क्वेश्चन के आधार पर आप देख सकते हैं आसानी से बाकी के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आपको सिर्फ जो है आगे की तरफ इंटरोगेटिव वर्ड यहाँ पर यूज़ करना है और आप जितने चाहें उतने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो मैंने ये वांट्स और वांटेड का जो है ओवरऑल व्यू आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। यदि आप डिड से क्वेश्चन बनाएंगे तो सेम ऐसे ही बनेगा, डिड यू वांट टू प्ले,
अगला हो जाएगा यहाँ पर व्हाट डिड यू वांट टू प्ले, क्या खेलना चाहते हो, कब खेलना चाहते हो, कहाँ, सॉरी था का आवाज आएगा इसमें सभी में, क्या तुम खेलना चाहते थे, क्या खेलना चाहते थे, कब खेलना चाहते थे, कहाँ खेलना चाहते थे, क्यों खेलना चाहते थे, विथ हुम मतलब किसके साथ खेलना चाहते थे। इस तरह से जो है आप और भी ज़्यादा इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज़ करके बना सकते हैं। फ्रॉम वॉट टाइम टू वॉट टाइम डिड यू वॉन्ट टू प्ले, तुम कितने बजे से कितने बजे तक खेलना चाहते थे। इस तरह से जो है आप ओवरऑल देख सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव वर्ड के साथ में भी मैंने आपको बता दिया है किस तरह से सेंटेंस बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वांट, वांट्स और वांटेड से जुड़े हुए जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो दूर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने कुछ बड़े सेंटेंस भी बनाए हैं वांट से, तो आप उसे ज़रूर देखिए, तो आपको जो डेली लाइफ में स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। इसी तरह से मैंने लाइक, नीड और हैव के भी डाउट्स क्लियर करे हैं। लाइक और हैव का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, नीड का यूज़ कम होता है, उसे आप ज़रूर देखें। हैव का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। इस तरह के यदि आप रेडीमेड सेंटेंस चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश में बने हुए, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं मेरी बुक डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश में, ये अमेज़न पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे ले सकते हैं या इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर स्टडी सेंटर से आप ले सकते हैं। इसमें 248 पेजेस हैं और इसमें स्पीकिंग से जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगा। और यदि आप अपना स्पीकिंग पावर डेवलप करना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 20 मिनट्स डेली कॉन्वर्सेशन रहता है। यदि आप और डिटेल्स चाहते हैं इसकी, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोज़ मिल पाएँ और आपका इंग्लिश बोलने का सपना ज़रूर पूरा हो पाए। दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।